तो डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए आपने राउंड डेसिमल रिमूव करने के राउंड डाउन राउंड अप जैसे फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ डेसिमल ही चाहिए तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 25.36 है तो मुझे यहाँ पे 36 को अलग करना है, तो कई तरीके हैं। इसके दो तरीके मैं बताता हूं, जैसे कि एक फॉर्मूला है कि आप इसमें जाइए और इसमें से माइनस कर दीजिए इन। इन फॉर्मूला क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है, मतलब डेसिमल्स को रिमूव करता है। तो विद डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल आपका डेसिमल्स आ जाएगा, पहली फॉर्मूला। दूसरा है मोड। तो मोड फॉर्मूला क्या होता है, मोड फॉर्मूला रिमाइंडर निकालता है। जैसे 5 को मुझे 14 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा शेष पद। मैं इसको मैथमेटिक्स में करके दिखाता हूं कि ए आपका यहाँ पे 5 है, ए आपका यहाँ पे 14 है, तो मैंने यहाँ पे दिया 2 और यहाँ पे 10 कर दिया, राइट। और यहाँ पे हमारा 4 आ गया, ये जो 4 हुआ दिस इज द शेष पद, ओके, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो मोड फॉर्मूला यही चीज निकालता है कि मोड हमने सिलेक्ट किया नंबर यहां पे 14 और डिवाइड किससे करना है 5 से। अब बात आती है तो हमारे डेट्स में कैसे ये यूज होगा, तो मोड फॉर्मूला मैंने यहां लगाया और हमने दिया डिवीजर में दिया 1। एक मैथमेटिकल थ्योरी करती है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर मोड जो है 0 आता है, लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल में है तो मोड आपका डेसिमल आएगा, तो आपका डेसिमल निकालेगा। इसका यूज हम लोग जैसे कि डेट एंड टाइम, हम क्योंकि एक्सेल में कोई टाइम का फॉर्मूला नहीं है जो टाइम निकाल दे, क्योंकि टुडे का फॉर्मूला है जो कि डेट निकाल देता है और नाउ का फॉर्मूला है जो कि डेट एंड टाइम दोनों निकालता है, डेट एंड टाइम दोनों निकालता है। इसमें से मुझे टाइम को अलग करना है तो इसके लिए हम इक्वल मोड का इस्तेमाल करेंगे और यहां में हम कर देंगे 1, तो ये आपका टाइम आ जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो नंबर है वो इस तरह से डेट एंड टाइम इस तरह के नंबर में होता है, जो नंबर्स है वो आपका नंबर है, जो डेसिमल में है वो आपके टाइम है।